वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस देखिए तो 50 कॉन्सेप्ट सीरीज के सारे सारे वीडियोस प्लीज देख लीजिएगा आपके लिए बहुत 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 काम आएंगे ये राइट ऑल द वीडियोस आर ऑन द प्लेलिस्ट ऑन द होम पेज ऑफ कैनवस क्लासेस तो व्हेन वी आर डूइंग द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ठीक है क्वांटिटेटिव मीन्स कि वी वॉन्ट टू चेक कि अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है लाइक नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो कितने अमाउंट में है ओके okay? सल्फर है तो कितने अमाउंट में फास्फोरस है तो कितने अमाउंट में है दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो फॉर नाइट्रोजन देर आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड 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 वन वन इज इज केल्डाल्स तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड मेथड में क्या होता है देखिए दिस सेटअप सेटअप को सबसे पहले समझते हैं कि यहां क्या हो रहा है तो यहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से आ रही है कॉपर ऑक्साइड के यहां पे गॉज लगाया कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने हीट किया तो सिंपली ये याद रखना है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमें लग रहा है कि यार इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना नाइट्रोजन है तो उसको कॉपर ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में हीट किया जाता है ठीक है इतनी सी चीज आपको याद रखनी है कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में और कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट कर रहे हैं उससे क्या होगा जो नाइट्रोजन था ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो एन में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तो एज इट इज निकल जाएगी और कुछ वाटर बनेगा अब जब आप इसको आगे इस एक्वस सोल्यूशन के थ्रू पास कर रहे हो ये के का है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बींग तो बेस ये कार्बन डाइऑक्साइड को तो एब्सॉर्व कर लेगा एसिड बेस रिएक्शन से तो कार्बन सारी डाइऑक्साइड सारी यहां पर आ जाएगा नाइट्रोजन गैस अकेली है जो निकल के ऊपर तक जाएगी तो इस पर्टिकुलर जगह पे जो गैस इकट्ठा होगी तो गैस दैट विल बी कलेक्टेड हेयर विल बी नाइट्रोजन एंड सम ऑफ द वॉटर वे बिकॉज आपने केमिकल इक्लिब्रियम में पड़ा हुआ है कि वॉटर की टेंडेंसी बेसिकली अपने में आने की होती है तो समर विल डेफिनेटली हैव समेपर तो यहां का टोटल प्रेशर लेटेस से फोर हंड्रेड आ रहा है लेटेस से फोर हंड्रेड आ रहा है तो क्या यह प्योर नाइट्रोजन गैस का प्रेशर है नो इट इज द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एज वेल एज वॉटर वेपर तो वाटर वेपर का प्रेशर आपको कहा दिया होता है उसका वेपर प्रेशर ठीक है सिंपल चलो तो देख लेंगे तो फोर हंड्रेड में से आप वॉटर वेपर का जो प्रेशर है एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं उसको सब ट्रेक कर लो तो एन टू का प्रेशर मिल जाएगा और बेटा प्रेशर मिल गया पी वीजिकल टू एनआर टी से प्रेशर आपको मिल गया इसका वॉल्यूम का कैलकुलेशन आप यहीं से कर लेंगे क्योंकि यहां पे ऑलरेडी इट्स है ना स्केल है ये तो वॉल्यूम कितना कितना है वो आपको पता लग जाएगा तो प्रेशर का डेटा आपको मिल गया वॉल्यूम का डेटा आपको मिल गया एनआरटी टेम्परेचर आपको पता है तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे तो कितना नाइट्रोजन जनरेट हुआ उसमें नाइट्रोजन के एटम्स कितने थे वेट कितना था सब कैलकुलेशन हो सकती है आराम से राइट तो ये जो इक्वेशन है आपके सामने यहां पर ये इसको अब आपको याद रखना है देखिए सी एक्स एच वाई एन जेड प्लस टू एक्स प्लस वाई बाई टू ओके कॉपर ऑक्साइड तो कॉपर ऑक्साइड यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है नाइट्रोजन को वो एन टू में ऑक्सीडाइज कर रहा है ओके okay? और खुद वो रिड्यूस हो रहा है कॉपर में तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉपर अल्टीमेटली क्या कर रहा है तो कॉपर ऑक्साइड से वो कॉपर में रिड्यूस हो रहा है तो ये एक्स सी ओ टू प्लस वाई बाई टू एच टू दे आर एब्सॉर्ब बाई के तो एन टू इज कलेक्टेड ओवर के एच अब इस पर एनसीआरटी का एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं 12.21 uh, 12 का एग्जांपल है तो इन मेथड 0.3 ग्राम ऑफ ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड 50 नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 हंड्रेड तो देखिए आपको वॉल्यूम दिया गया है टेम्परेचर आपको दिया गया है और ऑर्गेनिक कंपाउंड ओरिजिनली कितना लिया गया था यह हमें पता है ये जो बेटा ओरिजिनली जीरो पॉइंट ग्राम था इसका यहां पे क्या जरूरी है लास्ट में जब आप परसेंटेज निकालते हो ना नाइट्रोजन की तो वो कैसे निकलता है वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये जो पॉइंट थ्री है ये लास्ट में काम आएगा आपको ओके okay? तो वॉल्यूम का डेटा है टेम्परेचर का है प्रेशर का भी है और साथ में एक्वेस्टेंशन भी दी गई है पंद्रह एम mm. तो जो सात सौ पंद्रह प्रेशर है वो एन टू और वॉटर का मिला के था वाटर का कॉम्पोनेंट उसमें पंद्रह है तो बेटा सात सौ पंद्रह में से पंद्रह घटा लो ठीक है तो

तो क्योंकि आर की यूनिट्स में ए है तो हमारा प्रेशर भी एटमोस्फेयर में होना चाहिए तो सेवन हंड्रेड डिवाइड बाई सेवन सिक्सटी कर देंगे वॉल्यूम हमारी लीटर में होनी चाहिए तो ये फिफ्टी एम एल था उसको डिवाइड बाई ताकि लीटर में कन्वर्ट हो जाए बस बाकी डेटा यूज किया आपने तो यहां से आपका नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे बेटा नंबर ऑफ मोल मिल गए उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो एन टू का वेट निकल आएगा वेट निकल आएगा डिवाइड बाई ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेट इन टू हंड्रेड कर दो उसकी परसेंटेज निकल आएगी राइट तो दैट इज डुमा मेथड नेक्स्ट इज कलडाल मेथड जो कि थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है लडाल मेथड से भी हम नाइट्रोजन का ही पता करते हैं इट इज अथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन ओनली बट इट हैलडल डिस्टिलेशन ठीक है तो अंडरस्टैंड इसको याद करिए क्या पार्ट है इसके दो पार्ट है फर्स्ट इज डाइजेशन सेकेंड इज डिस्टिलेशन तो डाइजेशन में क्या होता है द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस कंसनट्रेटेड एच टो सोफो प्लस कॉपर सल्फेट दे आर हीट इट टूगेदर ठीक है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने एच टोसोफोर डाला कॉपर सल्फेट डाला उसको हीट किया दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन गैस या सॉरी जो नाइट्रोजन एलिमेंट है वो अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा ओके okay? तो डाइजेशन में क्या हो रहा है नाइट्रोजन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट आफ्टर दैट ऑल द कंटेंट ऑफ दिस फ्लास्क आर ट्रांसफर्ड टू दिस राउंड बॉटम फ्लास्क ओके जहां पर कैल डाल डिस्टलेशन विल बी कैरियड आउट So in this case, we heat it with sodium hydroxide. Okay. So ammonium sulfate is already present. Now we heat it with sodium hydroxide. So what Ammonia gas will be generated, and ammonia gas will go out from here through this system. And this is a coolant. This is a basically a condenser. So ammonia gas, hot ammonia gas, will be cooled down to form ammonia liquid. And here, ammonia liquid girega.

सो दैट मीन्स हमें मोलैरिटी और वॉल्यूम दोनों पता है तो मोलैरिटी वॉल्यूम क्या होता है नंबर ऑफ मोल तो बेसिकली यहां पर मुझे एसिड के नंबर ऑफ मोल पता है अब अमोनिया ऊपर से गिरेगा तो क्या होगा एसिड बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन होगी राइट तो क्या वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा डिपेंड करता है जैसे मान लीजिए ऊपर से जो अमोनिया आ रहा है उसके चार इक्विवेलेंट्स हैं और नीचे जो एसिड है अगर उसके पास भी चार ही इक्विवेलेंट्स हैं तो परफेक्टली न्यूट्रलाइज कर जाएंगे आपस में बट अगर नीचे जो एसिड दिया है वो ज्यादा है ट मीनस थोड़ा सा बच जाएगा वो तो मल्टीपल केसेस आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं ऐसा भी हो सकता है कि जो अमोनिया थी वो इस एसिड को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर रहा हो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है अगर ऐसा आ गया तो बहुत आसान है बिकॉज इफ दिस एसिड इज कंप्लीटली देन नंबर ऑफ ऑफ इक्विवेलेंट्स अमोनिया एंड एसिड आर सेम तो आपको अमोनिया के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिल गए अमोनिया के मिल गए तो अमोनिया से नाइट्रोजन के मिल जाएंगे कैसे देखिए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस दिस एच टू तो सो फोर गिवोनियम सल्फेट दिस डिस्टिलेशन सॉरी डाइजेशन देन एन के साथ ट्रीट करने पे इट बिकम्स बिकम प्लस अमोनिया प्लस H2O, दिस अमोनिया इज बाय सम एसिड ऑफ नोन वॉल्यूम नाउ दिस इज एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सो तो लेट लेटेस्ट से मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पे सिंपल सा मान लीजिए एसिड के दस मिली मोल है और वो भी एच है हमारे पास तो आप जानते हैं HCl और अमोनिया 1:1 रेशियो में रिएक्ट करते हैं राइट सो 1 मोल ऑफ HCl विल बी रिक्वायरिंग 1 मोल ऑफ अमोनिया फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन तो अगर 10 मिलीमोल HCl के हैं और तो उसको 10 मिलीमोल अमोनिया चाहिए होगा पूरी तरह न्यूट्रलाइज करने के लिए बट वी डू नॉट नो कि अमोनिया कितना है वही तो हम जानना चाहते हैं तो मान लीजिए एसिड तो आपने 10 लिया था लेट अस से अमोनिया के 6 मिलीमोल थे यहां पे ओके लेट अस से छे थे तो बेसिकली दस में से छ रिएक्ट कर जाएंगे तो चार मिलीमोल ऑफ एच बचेगा अब आपको देखने से तो पता चलेगा नहीं भैया कि इस डब्बे में इस बीकर में कितना एच बच गया है तो आप क्या करेंगे जो भी बचा होगा उसको आप बेस के साथ स्ट्रांग बेस के साथ टाइट्रेट करेंगे क्योंकि टाइट्रेशन से आपको ये पता लग जाएगा कि अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड के चार मिलीमोल लगे हैं इसको भी न्यूट्रलाइज करने में तो मतलब एच के भी चार मिलीमोल बचे हुए थे ठीक है ना तो अगली टाइट्रेशन से हमें यह पता चलता है कि एसिड कितना बच गया था एक्सेस में कितना एसिड बचा हुआ था ओके तो अगर यह आपको पता लग रहा है कि यार चार मिलीमोल एक्सएल के बच चुके थे और स्टार्टिंग में दस लिए थे तो दैट मीनस अमोनिया कितना था सिक्स तो दैट इज हाउ वी कंक्लूड के अमोनिया के नंबर ऑफ मोल कितने थे तो बेटा एक मोल NH3 बनाने के लिए एक मोल नाइट्रोजन के एटम्स लगते हैं राइट right? मतलब है ना जितने मोल अमोनिया के होंगे उतने ही मोल नाइट्रोजन के एटम्स के भी होंगे तो जो मोल आपने अमोनिया के ऊपर कैलकुलेट किए वही नाइट्रोजन एटम्स के भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे तो उसको 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नाइट्रोजन का वेट आ जाएगा और वेट डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इंटू हंड्रेड कर दोगे तो नाइट्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी चलिए अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं

क्योंकि दो एच पॉजिटिव देता है तो एच पॉजिटिव के मिली मोल कितने हो गए मेरे पास फाइव ओके okay ना क्योंकि अमोनिया एक अमोनिया एक एच पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा और एक अमोनिया सॉरी दो अमोनिया एक एच से रिएक्ट करते हैं आप ऐसा बोल दो या ऐसा बोल दो कि एक अमोनिया को एक एच पॉजिटिव चाहिए राइट अब तो अमोनिया ने एच टोसोफोर के साथ रिएक्शन किया फाइव मिलीमोल एच पॉजिटिव थे अमोनिया कितना था वी डोंट नो उसके बाद कुछ एसिड बच गया हाँ उस बचे हुए एसिड को बेस के साथ ट्रीट किया तो बेस कितना कंज्यूम हुआ 2.5 मिलीमोल्स तो मिलीमोल्स बच्चे अगर बेस आपका 2.5 मिलीमोल कंज्यूम हो रहा है तो दैट मीन एसिड भी 2.5 मिलीमोल बचा था जो एच पॉजिटिव था राइट तो शुरुआत में आपके पास पांच मिलीमोल थे एच पॉजिटिव के लास्ट में टू बचे तो मतलब अमोनिया के मिलीमोल कितने रहे थे टू ओनली तो अमोनिया के मिलीमोल आ गए तो मतलब वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा क्योंकि जितने मिलीमोल अमोनिया के होते हैं उतने ही मिलीमोल्स नाइट्रोजन के भी होते हैं है ना सो द अमाउंट ऑफ सॉ मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आइटम्स तो वेट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय फोर्टीन और परसेंटेज कैसे निकलेगी वेट डिवाइड बाय मोलर सॉरी गिवन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू टू हंड्रेड बस अब इसमें ध्यान रखने वाले पार्ट यह के है कैलडाल मेथड ऐसे केस में कब कब इस्तेमाल नहीं करना है जब नाइट्रोजन आपका नाइट्रो की फॉर्म में है एनओ टू ग्रुप की फॉर्म में है दैट नाइट्रोजन कैन नॉट बी एनालाइज और एस्टिमेटेड बाय बाई मेथड या डायजो कंपाउंड के अंदर की जो नाइट्रोजन होती है या नाइट्रोजन ऑफ अ रिंग एक्सेप्ट पायरोल ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में तो प्लीज मेक श्योर आप इसको वीडियो को अच्छे से देखें समझे दो एग्जाम्पल हमने कर लिएट्स इट ठीक है इतना काफी केरिस मेथड का आपको तो थोड़ा सा आइडिया मैं दे 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 देता हूं केरिस मेथड में क्या होता है

आपको लेक्चर अच्छा लगा शेयर करिए कैनवस क्लासेस को एंड स्टे कनेक्टेड विद अस कीप स्माइलिंग हैव वंडरफुल डे बाय